बिजनेस टाइकून रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। वह 86 साल के थे लेकिन अपनी पूरी जिंदगी वह कुवारे रहे। जिसके पास इतनी धन दौलत कारोबार बड़ा बिजनेस सब कुछ था, आखिर वह कुवारे क्यों थे? अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या वजह थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की? तो चलिए बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिसके प्यार में तो रतन टाटा पड़े लेकिन वह शादी ना कर पाए। खुद रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार मोहब्बत हुई थी। एक बार तो भारत चीन के युद्ध की वजह से मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी, तो एक शादी ऐसी थी कि जिम्मेदारी आन पड़ी और उन्हें जिम्मेदारी और इश्क में से जिम्मेदारी को चुनना पड़ा। जी हाँ, रतन टाटा का जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ा था वो है सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल जिनका एक बहुत बड़ा और पॉपुलर शो भी आता था, और सिमी ग्रेवाल ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में भी दी हैं। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल रिलेशनशिप में थे। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने बताया था कि रतन टाटा के साथ उनका रिलेशनशिप था, वह बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। वैसे तो हम दोनों शादी भी करने वाले थे, एक शादी इस वजह से टूटी और एक शादी रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी एक शादी होने वाली थी, लड़की का जो संबंध था वो चीन से था। अब हुआ ये कि भारत चाइना का युद्ध छिड़ गया और लड़की के पेरेंट्स जो थे भारत में लड़की बेटी को भेजने के पक्ष में नहीं थे, तो बस फिर क्या, उनकी शादी ना हो सकी।